परिस्थितियों में यहाँ आपके पति को बचाने वाला और वहाँ उस सिंहराजन से टक्कर लेने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, और अगर होगा भी वो व्यक्ति कहाँ किस राष्ट्र में होगा, किस जिले में होगा, किस मंडल में होगा, किस गांव में होगा, मैं नहीं जानता। राजन, अच्छा सिंह राजन नाम सुनकर तो मैंने सोचा था कोई लंबा चौड़ा आदमी होगा, लेकिन ये तो रोड नहीं बनाई गई है, इसी ने कंप्लेन दी है भाई। क्या रे, मैंने रोड नहीं बनाई तो तूने कंप्लेन कर दिया? 75 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेकर उस रोड का कॉन्ट्रैक्ट का काम मैंने 1 साल पहले ही कर दिया है, तेरे को पता नहीं चला क्या? वहाँ तो रोड ही नहीं बनी। अरे बनी है रे, ये कुआं देख, चारों तरफ देख, इसमें पानी है क्या? नहीं है। इसको देख कर तू सोच रहा होगा कि इसमें पानी रहना चाहिए। अबे सुन, हमारे देश में बहुत तेज धूप होती है, बहुत तेज हवा चलती है, सारी रोड धूप में पिघल गई होगी और बाद में हवा में उड़ी होगी। ऐसे कैसे उड़ सकती है, वहाँ तो रोड मुझे नजर नहीं आई। अबे बेवकूफ, तुझे नजर नहीं आई तो रोड हमने नहीं बनाई। अंधे, कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने होती है और हमें नजर नहीं आती। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, तुझे नजर आई। अब मेरे अंदर जो सच्चाई है तुझे नजर आई, इसीलिए बच्चू रोड तुझे नजर नहीं आएगी। सर ये अन्याय है सर। सर आपने तो वहाँ रोड नहीं बनाई। सर बनाई है। नहीं बनाई। बनाई है। नहीं बनाई। बनाई है। नहीं बनाई। बनाई है। नहीं बनाई। अरे अरे रुक रुक रुक, ये लाता काय को है? क्यों रे, जिंदा है क्या? गया देख, रोड नहीं बनी बोलेगा तो तेरे को भी टपका डालेगा, तेरी औरत आएगी क्यों जी बोल के चिल्लाएगी, तेरे को सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। ये तो यहाँ चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता है, चलाने से होता है। अब बता, मैंने रोड बनाई है ना? रोड आपने बनवाई है, उसी पर मैं साइकिल चला के आया हूँ यहाँ तक। तुमने सुना, रोड आंखों को नजर नहीं आती, पैरों को नजर आती है। यही वो भी बोलता तो बच जाता। अब उसको उठा कर ले जाओ और उसी रोड पर डाल देना। शादी करके जो चली गई थी मैं। तुमने प्यार किया तो कोई गलती नहीं, लेकिन मेरी बहन की शादी मैं बहुत धूमधाम से, बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े जोरदार तरीके से करने वाला भाई था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। ठीक है, मेरी बहन इतने दिनों बाद आई है, उसका स्वागत तो बहुत धूमधाम से होना चाहिए, इन आंसुओं से नहीं। देखो बहन, तुम एक घर की बहू हो, लेकिन तुम अपने घर से अपने पति और अपने बच्चे के बगैर यहाँ आई हो। मैं तुम्हारी मुसीबत को समझ सकता हूँ।
चलो अंदर चल के बात करते हैं। सिंहराज जन ने मेरे पति को जेल में बंद कर दिया है भैया। ये तुम मुझ पे छोड़ दो, पहले तुम खाना खाओ। मेरे पति बेल लेकर भी बाहर नहीं आना चाहते, कहते हैं कि वहीं मर जाऊंगा। बहना पहले तुम खाना तो खा लो। भैया मैं आपके पास हक मांगने नहीं आई हूँ, मेरे पति को अरेस्ट करने वाले की जान चाहिए। तू मत रो, अगर उसने मुझे कष्ट दिया होता तो शायद उसकी मौत आसान होती, लेकिन उसने मेरी बहन को तकलीफ देकर अपनी मौत को और भी भयानक बना लिया है। मैं उसको और उसके वंश को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि उसकी मौत भी घबरा जाएगी। मैं मिट्टी की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे इस मिट्टी में मिलाकर ही दम लूंगा। ए, गाड़ियां निकलो। अरे देखा तूने, उसने तो एक भाई कहा था, यहाँ तो सैकड़ों आ गए। देखने के लिए इतने हैं, तो मारने के लिए कितने आएंगे सर? भैया ये हमारे पर्सनल लॉयर हैं और ये मेरे पति के असिस्टेंट हैं। रुक जाओ, सब लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों रोक रहे हो इनको, मरना है क्या? अब जाइए सर। श्रीमान करण राज सिंह जी धनपत राव से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। सुनिए अब डरिए मत, मैंने सारी बात भैया को बता दी। भैया आपको यहाँ से बाहर निकालेंगे, अब डरने की कोई बात नहीं, आइए। मुझे माफ। मैं यहाँ तुमसे कुछ सुनने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बाइज्जत यहाँ से ले जाने आया हूँ। नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कीजिएगा, वो सिंहराजन के बारे में आप नहीं जाने। तुम मेरे बारे में नहीं जानते, उसके साथ प्रेस होगा, पब्लिक होगी, हुकूमत होगी, सारी दुनिया होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और तुमको बाहर निकालूंगा। मैं और मेरी ताकत क्या है मैं उस सिंहराजन को बताऊंगा। चलो बहना, चलो चलो, तुम लोग भी चलो। नमस्ते भाई। हाँ सब ठीक ठाक है ना? आपके आने की खबर सुनकर असेंबली छोड़कर आया हूँ। मैंने देखा है तुम असेंबली में हमेशा सोते रहते हो। मुझे एसी की आदत पड़ गई है भाई। हाँ चुनाव करीब है, खुद को संभाल के रखो। ठीक है भाई। हाँ बोलो वकील। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, अगर कोई आदमी रात में हो, दिन में हो, अकेले में हो या पब्लिक में हो, अंदर हो या बाहर हो, किसी का मर्डर करता है तो उसे कैसे बचाना है तुम सोचो। मैं अपने बहनोई को छुड़ा लूंगा। कैसे छुड़ा लोगे सर? ये कोई पुराने फिल्म की प्रिंट नहीं है जिसे आप बिना पोस्टर के जब चाहे तब रिलीज कर देंगे। वो तो बम ब्लास्ट के केस में अरेस्ट हुए हैं। लॉ नॉलेज ये कहती है कि उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। वो सब कौन है? पुलिस है। यहाँ क्यों खड़े हैं वो? मुजरिमों की हिफाजत के लिए। हमारे राष्ट्र में कई कोर्ट है, कई जेल है, लाखों पुलिस वाले और लाखों लॉयर है। आखिर क्यों है ये सब, किस लिए? क्योंकि जुर्म करने वाले भी है। भले ही जुर्म करने वालों को बचने का तरीका नहीं आता हो, लेकिन मैं अपने बहनोई को बाहर लाना खूब जानता हूँ। उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जीतना बहुत मुश्किल है सर। उसे कैसे रास्ते पर लाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू समझ नहीं पाएगा। मेरे बहनोई के अगेंस्ट में लड़ने वाले उस पीपी का घर किधर है? कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे चले आए, क्या चाहते हो? हमको करण राज सिंह ने भेजा है। तुम कल कोर्ट में धनपत राव के खिलाफ केस नहीं लड़ोगे। जज जो भी पूछेगा तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दोगे। ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम वकालत के लायक नहीं रहोगे। इसकी बीवी बच्चों को पकड़ लो। जो हुआ था वो भी ठीक है, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होने वाला है वो भी ठीक है। अरे ऐसे केसेस बहुत देखे हमने, हमने जो यहाँ पर कह दिया वही वहाँ अंदर होगा, समझ गया ना तू? भाई अपने शर्ट के बटन लगा कर जाना, नहीं तो फाइन मारेगा। योर ऑनर ये केस में क्यों लड़ रहा हूँ? ये केस तो आईने की तरह बिल्कुल साफ है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उन्होंने केस बनाया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस सौंप दिया, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश है। एनी ऑब्जेक्शन? इतने शरीफ और इज्जतदार मेरे क्लाइंट को इन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर कटघरे में खड़ा करवाया और अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिल्कुल खामोश बैठे हैं, इसका कारण क्या है? उनसे कहिए कुछ तो बोले सर। एनी क्वेश्चन? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजकरण सिंह है। ए मेरी बहन ने इसे मेरा ही नाम दिया है।
अपने भाई का नाम दिया है। आज बहुत अच्छा दिन है, तुम्हारे पति, हमारे जीजाजी और तुम्हारे पापा बाहर आ रहे हैं। चलो, आज बहुत खुशी का दिन है। इसीलिए मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। योर ऑनर। मिस्टर डीपी। यस सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। एनी क्रॉस एग्जामिनेशंस? नो सर। सो मिस्टर जनार्दन, एवरीथिंग क्लियर फ्रॉम योर साइड? यस सर, 100% क्लियर सर।